एक बार गाबा जी BHEL को रिविजिट करते हैं। सुबह हमने इसकी चर्चा की थी, बैन में है तो कैश में ही ये ऑफकोर्स सौदा लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या अपडेट होगा BHEL में? बिल्कुल कैश में ही लेना चाहिए। BHEL ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज 80 पैसे में, साइडवेज जोन पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, हाई टाइम फ्रेम बेसिस भी स्ट्रेच है, थोड़ा अगर वक्त साइडवेज भी गुजारता है तो घबराना नहीं चाहिए। मुझे इसका पहला लक्ष्य 90 दिखता है, लेकिन मुझे लगता है ये 100 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक वीक नहीं है। अगर करेक्शन आते हैं तो एक बाइंग का मौका रहेगा, इसलिए डिलीवरी भी बहुत अच्छा है, स्टॉक का होना चाहिए, जरूरी है। 75 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 75 और 83 में कुछ 8 रुपए का फर्क है, तो 8 रुपए का सोच सकते हैं। क्वांटिटी कम ली, नीचे आए तो और ऐड कीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, गो विद द लोअर क्वांटिटी, लेकिन मुझे 100 नजर आता है BHEL, 90 के बाद 100। तक के लेवल्स भेल में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट कल यतिन ने भी शेयर की थी जो डाम कैपिटल ने निकाली थी जब एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की थी कि कंपनी के हाथ जो ऑर्डर बुक है वो और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही, खासतौर से थर्मल बिजनेस में H2 ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। कोल गैसिफिकेशन वाली अपॉर्चुनिटीज काफी अग्रेसिवली दरअसल भेल फॉलो थ्रू कर रहा है, वो Q1 ऑफ FY24 में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तो वो एक आउटलुक पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी का ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो आगे हर सेगमेंट में स्केल होता हुआ दिखाई देगा। दलजीत सिंह कोहली, आप इनफैक्ट कैपिटल गुड्स पर पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी बुलिश थे, L&T की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन भेल पर क्या विचार है सर? क्या इन लेवल्स पर आपको भी लग रहा है 100 और 100 के बियॉन्ड जाने की क्षमता रखता है? नहीं, थोड़ा हर्षद हमारा भी अलग है। स्टॉक जरूर चल गया है और शायद अभी और उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर हम पिछले 8-10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो मुझे उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता। भेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट की वॉलेटिलिटी है ना, कि हर क्वार्टर में कभी भी वो कोई भी पुराना एडजस्टमेंट निकाल के ले आते हैं, कुछ वेज सेटलमेंट, कभी कुछ, तो वो एक तो वो बड़ा मुश्किल काम है उसको समझना कि क्या नंबर्स में आएगा। दूसरा, जो अभी जो स्टॉक चल रहा है वो ये है कि यूक्रेन के बाद बहुत सारे लोगों ने ESG को पीछे छोड़ दिया, ESG के बारे में वो भी भूल गए। तो अभी क्या हो रहा है कि साहब अब कोल पावर प्लांट्स वापस आएंगे और इसलिए भेल को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया है जहां पर कोल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा हो, या जहां पर, बल्कि अभी भी हमारी सरकार की पॉलिसी रिन्यूएबल की तरफ ही है और सोलर को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो लोग। तो अभी नंबर्स में कुछ भी आना शुरू नहीं हुआ है, होप ट्रेड चल रहा है, बहुत सारी आशाएं हैं कि 8-10 साल के पर अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब शायद इनको कुछ ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे, कुछ काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि वो अभी नंबर्स में आ नहीं रहा है, और जब हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल पहले भी इसी तरीके से इसमें तेजी आई थी और फिर वापस 30-40 रुपए के लेवल में पहुंच गया, तो ये इस तरीके का वोलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए हम लोग अभी इसको अवॉइड ही कर रहे हैं। हाँ, इसमें यूटिलिटीज में NTPC को हमने जरूर अपने उसमें पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए दिया था, क्योंकि तो वहां पर 10-12 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने प्रीवियस हाई को टच किया, और NTPC भी अभी इनफैक्ट सबसे बड़ा थर्मल पावर कंपनी होने के बाद भी वो भी बोल रहा है कि मेरे को रिन्यूएबल में जाना है, और उसका स्टॉक प्राइस भी रिन्यूएबल की वजह से चल रहा है ना कि थर्मल की वजह से। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आई थिंक यूफोरिया है स्टॉक में, ट्रेडिंग करो, बट इन्वेस्टमेंट से हम दूर ही रहेंगे।